आपका यूट्यूब चैनल पे नवाज पे एनबीसीसी जो कि कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर का एक कंपनी है और इस कंपनी के शेयर में एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जो भी इन्वेस्टर्स ने बोल सकते कि एनबीसीसी के शेयर में खरीदारी नहीं किया है क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत कम था, सबको लग रहा था कि यह शेयर साइज से ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकता है। शेयर का प्राइस 28-30 रुपए के आसपास चल रहा था और आप देख सकते हैं अभी जो है शेयर का प्राइस 77 रुपीज के आसपास था और ये शेयर दोस्तों 80 रुपए के ऊपर पहुंच गया था कुछ दिन पहले, 85 के ऊपर ये शेयर चल रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये शेयर कुछ ही दिनों के अंदर इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं किया है, शेयर को खरीदा भी नहीं है क्योंकि शेयर का प्राइस जो है ज़्यादा कुछ यहाँ पे तेज़ी नहीं दे रहा था। अभी यहाँ पे डिटेल में समझेंगे दोस्तों एनबीसीसी के शेयर को लेके इसमें क्या चल रहा है उसको लेके। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। एक दिन में एनबीसीसी के शेयर में 2.2% का जंप देखने को मिला है, वही दोस्तों एक हफ्ते के अंदर 4% का इसमें गिरावट बना, एक महीने में 14.3% का रिटर्न दिया है एनबीसीसी के शेयर ने। एनबीसीसी का जो अभी देख सकते हैं कि एनबीसीसी जो है ऑक्शंस कमर्शियल इन्वेंटरी इन दिल्ली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फॉर ₹905 करोड़, तो एनबीसीसी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। एक्सपेंसिव स्टार फिलहाल अभी एनबीसीसी के शेयर को कहा जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों 65 out of 100 वैल्यूएशन, 28.80 out of 100 मोमेंटम, 65.80 out of 100। एनबीसीसी का शेयर दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6 महीने का इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे 6 मंथ के अंदर एनबीसीसी के शेयर में 85.90 पैसे के इसका हाई प्राइस बनाया और लो प्राइस दिया है 38.20 पैसे का। वही 3 महीने के अंदर 3 मंथ्स का जो इसका हाई प्राइस था 85.90 पैसे का, लो प्राइस 56.70 पैसे का। एक महीने के अंदर शेयर का 85.90 पैसे का इसका हाई प्राइस है, वही इसका हाई प्राइस है और लो प्राइस 63.80 पैसे का। और एक हफ्ते के अंदर देखिए जो इसका हाई प्राइस 85.90 पैसे का, जो लो प्राइस है 72.50 पैसे का। शेयर जबरदस्त तेजी बढ़ा है कुछ दिनों के अंदर। इसका थोड़ा Q2 का रिजल्ट हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। रिजल्ट जो है देख सकते हैं, जो टोटल रेवेन्यू है वो हुआ है 2129 करोड़ का, जो कि 2.7% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 0.8% 1957.7 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि 95.5 करोड़ का हुआ है, 8.1% यहाँ पे देखने को मिला जंप हुआ है। EBITDA की बात करते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था, EBITDA जो है 105.9 करोड़ का हुआ जो कि 20% के आसपास गिरावट बना। और वही दोस्तों नेट प्रॉफिट जो है 17.5% हुआ, जो कि जहाँ पे 16.6% के आसपास गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। ये हम लोग कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन देखा है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं जहाँ पे बोलते हैं टेक्निकली जो है एनबीसीसी का शेयर एक बुलिश लेवल पे चल रहा है फिलहाल। अभी RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे। MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि ये जो शेयर है एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल अभी चल रहा है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे NBCC का बोल सकते हैं कि जो BSE और NSE मिला के एक दिन का एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 26.8 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 44.3% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 11.9 मिलियन का। एक हफ्ते का BSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 29.9 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 34.8% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 10.4 मिलियन का है। एक महीने का जो BSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 32.1 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 34.5% का है। डिलीवरी वॉल्यूम 11.1 मिलियन का है। शेयर में देखिए अभी अगर देखते हैं मतलब जो एक डिमांड है मार्केट में इन्वेस्टर्स से वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स के पास 61.75% का स्टेक है। FIs के पास 4.14% का स्टेक है। एक जबरदस्त स्टेक जो है FIs ने लेके रखा है। म्यूचुअल फंड के पास 3.12% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 7.11% का स्टेक है। पब्लिक के पास 23.87% का स्टेक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे प्रोमोटर्स जो हैं आप देख सकते हैं जहाँ पे प्रोमोटर्स के पास एक बोल सकते हैं कि 61.8% का स्टेक है। एक अच्छा खासा स्टेक जो है प्रोमोटर्स ने लेके रखा है। और FIs जो है यहाँ पे NBCC के शेयर में FIs का देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे FIs थोड़ा बहुत स्टेक घटा है जो कि 3.4% का स्टेक था, उसके बाद जो है स्टेक यहाँ पे थोड़ा घटा है जो कि 3.3% के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो FIs जो इन्वेस्टर्स है जो मतलब जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्डिंग जो है 3.84% से यहाँ पे बढ़ा है उन लोगों ने, जो कि 4.14% का ये 2023 का है। अभी जो September 2023 का है उसमें इन लोगों ने जो बढ़ा दिया है। एंड नंबर ऑफ FII FPI इन्वेस्टर जो है 119 था, वो थोड़ा कम हुआ है जो कि 108 देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड से देख सकते हैं जो कि 3.24% जो है होल्डिंग्स था म्यूचुअल फंड का, और वो जो है घट के 3.12% किया है घटा के म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है 6 है।
एनबीसीसी का। अभी यहाँ पे पब्लिक के पास तो अच्छा खासा स्टेक है एनबीसीसी का, अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है एनबीसीसी के शेयर ने। कुछ दिन के अंदर शेयर के प्राइस में एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। एनबीसीसी का दोस्तों एक जो बहुत बड़ा अपडेट आया जिसके बाद स्टॉक बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जूम हुआ, एक बहुत बड़ा शेयर के प्राइस में तेजी बना, जहां पे एनबीसीसी को जो है ये 150 करोड़ का ऑर्डर मिला। जैसे ही एनबीसीसी को 150 करोड़ का ऑर्डर मिला, इन्वेस्टर्स इसमें कूद पड़े हैं, शेयर में खरीदारी शुरू कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर 150 करोड़ नहीं, माफी 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जहां पे शेयर जो एक तेजी बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिलहाल यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देख सकते कि एनबीसीसी का शेयर जो है ये जो जैसे ये अपडेट आया 1500 करोड़ का ऑर्डर एनबीसीसी को मिला, उसके बाद ही शेयर में जो है लगभग बोल सकते हैं कि दोस्तों इसके जो 52 का हाई प्राइस है वो इसने हिट कर लिया था, जो कि 84.75 पैसे का है। बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, छोटा अमाउंट का शेयर है, हमें नहीं लगता है कि मतलब बहुत ये देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है फिलहाल शेयर का, अभी आगे चल के शेयर के प्राइस में तेज़ी बना सकता है। यहाँ पे देख सकते कि ये ऑर्डर जो है, द ऑर्डर इज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1469 वेयरहाउस एंड अदर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर एट वेरियस लोकेशन अक्रॉस इंडिया। तो ये जो 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसमें से 1500 मतलब ये ऑर्डर जो मिला है इसमें 1469 वेयर हाउस ये कंस्ट्रक्ट करेगा, बनाएगा, और इसके अलावा देखेंगे तो कुछ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काम करेगा। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है अभी यहाँ पे देखेंगे तो मतलब एनबीसीसी को कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला है, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो इन लोगों को मिला है एनबीसीसी को इस अभी देखेंगे तो दिस ईयर मतलब अभी जो है कुछ दिन में कंपनी सिक्योर्ड सबस्टेशनल ऑर्डर्स इंक्लूडिंग ए नेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड इन मे वर्थ ₹749.28 करोड़ बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस लोकेटेड एट मायापुरी। अभी यहाँ पे मतलब मायापुरी है, उसके बाद देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है, नासिक है, कोलकाता है, ये कुछ जगह पे जो है इसको प्रेस जो है यहाँ पे बोल सकते गवर्नमेंट जो है प्रेस यहाँ पे बनाया, मतलब एक ये करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और एक ऑर्डर मिला था कुछ दिन पहले जो कि था 749.28 करोड़ का। तो दोस्तों ये शेयर अभी देखेंगे तो मतलब कुछ ही दिनों के अंदर एक अच्छा रिटर्न दिया है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। और एडिशनल देखेंगे तो इन द मार्च कंपनी सिक्योर्ड ए वर्क ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी वैल्यूड 500 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट जो करिकल इन पुडुचेरी है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब 500 करोड़ का ऑर्डर, फिर 700 करोड़ का ऑर्डर, और अभी जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 1500 करोड़ का, ये सब कंपनी का अगर देखेंगे तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है कंपनी, फंडामेंटली कंपनी जो है एनबीसीसी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का जो है एक डिमांड भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ट्रस्ट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है एनबीसीसी के शेयर में। और कोई दोस्तों अगर एनबीसीसी का शेयर होल्ड करता है तो अभी तक देख सकते हैं एनबीसीसी ने जो है 14 डिविडेंड्स दिया है, 14 डिविडेंड्स इन्वेस्टर्स को अभी तक एनबीसीसी ने दिया है। एंड इन द पास 12 मंथ्स के बाद करते हैं तो एनबीसीसी ने लगभग 0.54 पैसे का जो है डिविडेंड दिया है। तो साल का ही बोल सकते हैं कि आपको जो है थोड़ा बहुत डिविडेंड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, शेयर के प्राइस में भी तेजी बनता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि एनबीसीसी का शेयर अभी क्या हाई प्राइस बना सकता है? यहाँ पे 77 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, क्या ये शेयर फिर से यहाँ से एक बार 84-85 तक पहुंच सकता है या फिर इस पर गिरावट बनेगा? जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आपको शेयर खरीदते हैं बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉइज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।